नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शैक्षिक गुरु जी को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वैकेंसी और नोट्स की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और जिन जिन भाई बहनों ने अभी तक ये लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सभी भर्तियों से जुड़ी ऑथेंटिक खबर पाएं दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शैलेंद्र बात कर रहा हूँ और सर्वप्रथम रीट लेवल 2 के साथियों और बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा जो रीट का जो मामला चल रहा था सिराधना साहब की बेंच में, 5 से 6 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमारा जो केस है वो निर्णयात्मक मोड़ पे पहुँचा है और बिल्कुल मेहनती बेरोजगारों की जीत तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है दोस्तों। दूसरी बात ये बोलना चाह रहा था कि कल हमारा फैसला आउट होगा, कल हमारा फैसला ओपन होगा, ठीक है। उससे संबंधित जानकारी मैंने बोर्ड की जो सेक्रेटरी हैं मेघना चौधरी जी को इन्फॉर्म कर दिया है, उनको कन्वेंस कर दिया है कि वो केवियट लगाएं इमीडिएटली और उन्होंने मुझे इंश्योर किया है कि वो केवियट लगाएगी इमीडिएटली, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर होगा, जैसे ही साइट पे आदेश की प्रति आ जाती है और उनके मिलने के 1 से 2 दिन में वो रिजल्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। तो घबराने की बात नहीं है, सीएम सेक्रेटरीज को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, सभी तरफ से हमने इन्फॉर्म कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, सभी एडवोकेट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, फैसला हमारे पक्ष में है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना रखें, जीत हमेशा मेहनती बेरोजगारों की ही होगी, किसी प्रकार का नेगेटिविटी ना रखें। सिराधना साहब बहुत ही बढ़िया जज हैं और वो मेहनती बेरोजगारों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। बाकी लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के ड्रीम्स बिल्कुल पूरे होंगे, आप अपने माँ बाप के सपने को ज़रूर पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो, और चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।